अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शिफा मेकओवर से रुबीना खान और मैं आपको सिखा रही हूँ ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स अपने चैनल खूबसूरत बाय आरके पर स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्लीच का वीडियो, जो कि हम जिसमें आपको ब्लीच किस तरीके से हम ब्लीच कर सकते हैं वो सारी चीज़ें इसमें बताएँगे। तो वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि ब्लीच हमें किसी स्किन पर किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ें और कलर के अकॉर्डिंग करना होता है। किसी का कलर फेयर होता है, किसी का सावला होता है, किसी का थोड़ा ब्लैक होता है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि किन किन चीज़ों का इसमें ध्यान रखना होता है और कब कितने कितने टाइम में हमें ब्लीच करना है और ब्लीच करना है तो उसके ऊपर हमें क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। सो फ्रेंड, लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ ओलिविया गोल्ड ब्लीच, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में। मैं फ्रंट स्क्रीन से शूट कर रही हूँ तो आपका आई होप ये उल्टा नज़र आ रहा होगा। सो ये है ओलिविया प्रोफेशनल गोल्ड ब्लीच सेफ्रॉन का। तो मैं आपको ये ब्लीच आपको अपने स्किन पर करके बताऊंगी कि किस तरीके से हमें ब्लीच करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। सो फ्रेंड, इसमें ये क्रीम होता है जो कि मुझे पार्लर में बड़ा ही रखना होता है, इसलिए मैं इसी से आपको आज करके दिखाऊंगी। तो इसमें एक ये क्रीम है और इसमें ये एक्टिवेटर होता है जो स्किन के अकॉर्डिंग हमें डालना होता है, और इसमें आता है ये ओलिविया ब्लीच बूस्टर जो कि हमें क्रीम में मिलाकर इसमें ऐड करना है। सो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे बॉल ले लिया है कांच का, इसमें मैं क्रीम एक्टिवेटर और बूस्टर क्रीम ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। तो सो फ्रेंड, मैंने इतनी क्वांटिटी में यहाँ पर क्रीम ले लिया है जो कि मेरे फेस पे सफिशिएंट है, इतना मेरे फेस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और उसमें एक्टिवेटर ऐड करूँगी मैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक्टिवेटर की क्वांटिटी कितनी रखी है, ये देखिए इतनी क्वांटिटी में मैंने एक्टिवेटर लिया है। और उसके बाद में उसमें ऐड करना है बूस्टर क्रीम जो कि उसके साथ ही मुझे मिला है। इसमें मुझे बूस्टर कुछ इतना ऐड करना होगा। देखिए, मैंने इतना बूस्टर लिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इतना मैंने बूस्टर इसमें ऐड किया है। अब मैं अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से ही इसे मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मुझे इससे थोड़ा सा इजी होता है, तो मैं इस तरीके से इसको अच्छे से ऐड कर लूँगी। ये तीनों चीज़ों को एक साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि वो बिल्कुल एक हो जाए। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है और इसके बाद मुझे करना होगा अपने फेस को क्लीन, ताकि मैं ये जो मैंने ब्लीच इसमें मिक्स किया है वो अपने फेस पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकूँ और उसका अच्छा खासा रिजल्ट मेरे फेस पे आ सके। यहाँ पर मैंने हर्बल ट्री का क्लिंजिंग लोशन लिया है अपने फेस को क्लीन करने के लिए, तो मैं इससे अच्छे तरीके से अपने फेस को क्लीन कर लूँगी। सो फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिए कि मैं किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ, किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ। तो ये फिंगर टिप्स की हेल्प से हम उनको हल्के से अच्छे से मसाज कर लेनी है अपने फेस पे, ताकि हमारे स्किन में जितने भी डस्ट है, जितनी भी गंदगी है वो क्लीन हो जाए और उसके बाद हम ब्लीच क्रीम को अप्लाई कर सके।
तो सर्कुलर मोशन में हमें इस तरीके से अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लेना है। और उसके बाद में आप कर लेंगे अपने फेस को अच्छे से क्लीन। बाद में अपने फेस को ड्राई कर लूंगी। सो आप फ्रेंड देख सकते हैं, मैंने अपने फेस को यहाँ पे क्लीन कर लिया है। अब मेरी स्किन बिल्कुल रेडी है अपने फेस पर ब्लीच अप्लाई करने के लिए। सो फ्रेंड, मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से ही अपने फेस पर ब्लीच को अप्लाई कर लूँगी। तो सबसे पहले हमें ब्लीच को यहाँ अप्लाई करना है जहाँ हमारे ज़्यादा मैक्सिमम हेयर होते हैं, इस तरीके से यहाँ। यहाँ पर बिल्कुल इस एरिया में थोड़ा ठीक का हमें ब्लीच क्रीम को अप्लाई करना है ताकि वहाँ पर अच्छे तरीके से हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम हेयर हमारे यही होते हैं। उसके बाद हम इस तरीके से नीचे से ऊपर लेकर अपनी क्रीम को यहाँ पर लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि हमारे हेयर में बिल्कुल भी नहीं लग पाए, बट मैंने ये जो हेयर बेल्ट से अपने हेयर को थोड़ा अंदर कर लिया है। अब मैं जल्दी जल्दी पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर लूंगी। हमें आईब्रो को और ये जो आईज का एरिया, ये पूरा एरिया हमें छोड़ना है। यहाँ पे बिल्कुल भी क्रीम लगनी नहीं चाहिए। सो बिल्कुल ध्यान देकर हमें क्रीम यहाँ पर लगानी है, ब्लीच क्रीम बिल्कुल भी हमारे आईज में या आईज के इतना पूरा एरिया हमें छोड़ना होगा, और हमारी आईब्रो का एरिया भी हमें छोड़ देना होगा। फ्रेंड, हमारे जो ईयर्स है इसको भी हमें यहाँ पे भी हमें क्रीम को अप्लाई करना होगा, नहीं तो ये अलग से हमारे ईयर से अलग से हमारे नजर आएंगे। और जो बचा हुआ है वो हम अपने नेक पर अप्लाई कर लेंगे। सो फ्रेंड, आप देख सकते हो मैंने अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई कर लिया है, और अब मैंने अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही इसमें एक्टिवेटर डाला था। अगर और रही टाइमिंग की बात, हमारे हमें इसे कब क्लीन करना है, तो हमें स्किन का कलर के अकॉर्डिंग इसे क्लीन करना होगा। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर है तो उन्हें 15 से ऊपर मिनट तक रखना होगा, और मैं यहाँ पर ओनली 15 मिनट रखूँगी मेरे स्किन के अकॉर्डिंग। जो बहुत ज़्यादा फेयर होते हैं उन्हें 15 से ज़्यादा रखना होता है, और जो सॉली स्किन होती है उन्हें 10 से 12 मिनट रखना होता है, और जो सॉली से कम होती है स्किन का टोन उनका, तो उन्हें 8 या 9 मिनट तक उन्हें अपने फेस पर अप्लाई करके रखना होता है। और हेयर की ग्रोथ को भी देखना होता है कि हमारी हेयर की ग्रोथ हमारे फेस पर कैसी है, ताकि वो समय के हिसाब से उस पर उसके ऊपर भी कलर आता है। अगर हमारे स्किन
ग्रोथ हमारे फेस में जो हेयर की ग्रोथ है वो ज़्यादा है, तो उसमें हमें एक्टिवेटर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा डालनी ऐड करनी पड़ेगी ताकि हमारे स्किन पे ठीक तरीके से इफेक्ट दिख सके। सो फ्रेंड, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने हेयर को बिल्कुल भी कलर नहीं देना होता है, गोल्डिंग करना तो होता है, तो वो सिर्फ 5 से 6 मिनट तक अपने स्किन पर रख सकते हैं। 5 से 6 मिनट पर अपने स्किन पर जो इफेक्ट होना होता है, ब्लीचिंग का जो इफेक्ट रहता है, जो रिजल्ट होता है वो आ जाता है। बट जो हेयर होते हैं उन पर कलर आने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए उनकी टाइमिंग के हिसाब से हम अपनी स्किन पर रख सकते हैं ज़्यादा टाइम तक। और जिनकी स्किन पर ज़्यादा हेयर नहीं है वो लोग कम ही टाइम रखें, तो टाइमिंग का बिल्कुल भी ध्यान रखना है और एक्टिवेटर क्वांटिटी बिल्कुल देखकर जानी डालनी है। जिनको ज़्यादा नहीं हार्ड रिजल्ट चाहिए वो ज़्यादा एक्टिवेटर का यूज़ कर सकते हैं, और जिनके फेस पर ज़्यादा हेयर है तो वहाँ पर भी थोड़ा एक्टिवेटर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा डालनी होगी। बट हमें जो सेंसिटिव स्किन है उसको बिल्कुल अवॉइड करना है, वो लोग बिल्कुल ब्लीच को अपने फेस पर अप्लाई ना करें। सो फ्रेंड, ये सारी बातें आपको बता दी है, जो जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो बिल्कुल भी ब्लीच को अवॉइड ही करें, वो अपने स्किन पर बिल्कुल लगा के ना रखें। और जो फर्स्ट टाइम स्किन को लगा रहे हैं अपने फेस पर अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें अगर चेक करना है कि उन्हें सूट हो रहा है या नहीं, तो वो हल्के से अपने बिल्कुल कोई भी जगह पर, जैसे कि मैं यहाँ पर हाथ पे, अगर मैं फर्स्ट टाइम लगा रही होती तो मैं यहाँ पर हाथ पे अपने पहले स्किन पर यहाँ पर लगा कर देख रही होती। अगर हमको सूट नहीं होता है तो इचिंग वगैरह होने लगती है, जिसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है स्किन पर, तो वो लोग बिल्कुल अवॉइड करेंगे। और किसी किसी को पसीना आने लगता है, आँख से आंसू बहने लगते हैं, नाक से पानी निकलने लगता है, तो वो लोग भी बिल्कुल भी ब्लीच अप्लाई नहीं करें। इसका मतलब ये होता है कि उन्हें ब्लीच बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोग बिल्कुल भी। और जो ब्लीच करते हैं, जो लोग ब्लीच अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, जिन्हें बहुत अच्छा लगता है उसका रिजल्ट, तो वो लोग ब्लीच करने के तुरंत बाद क्लीन अप कर ले या तो फिर अपने फेस पर फेशियल करवा ले, तो जो ब्लीच के नेगेटिव रिजल्ट होते हैं वो 50% निकल ही जाते हैं। और इसे हमें करवाना चाहिए 2 से 3 महीने में एक बार, या फिर इसे ज़्यादा ही अवॉइड करें, कोई फंक्शन वगैरह हो उसी में करवाए तो बेस्ट होगा। इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं स्किन पर, अगर हम हर महीने स्किन पर अप्लाई कर रहे हैं तो स्किन हमारी काली पड़ सकती है, स्किन पर पैचेस आ सकते हैं ब्लैक। तो मैं ये अपने फेस पर पूरे, मुझे आई थिंक 2 ईयर्स हो रहे हैं, 2 ईयर्स के बाद में अपने फेस पर ये लगा रही हूँ ब्लीच, वो भी आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों को सारी चीज़ें बताने के लिए मैं अपने फेस पर यहाँ पर लगा कर आपको बता रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखकर ब्लीच को अपने फेस पर अप्लाई करना होगा। आप लोग घर में ही कर सकते हो, बट आपकी उसकी क्वांटिटी, उसके कितना डालना है स्किन के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अपनी स्किन पर खुद से अप्लाई करें। और ये वीडियो अगर समझ में नहीं आता तो 2-3 बार आप रिपीट करके देखें तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आप अपनी स्किन पर इसे अपने हाथों से लगा सकते हो, आपको पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है और आपको अपने स्किन पर ब्लीच को लगाना है, उसका रिजल्ट आपको अपने स्किन पर लेना है, तो आप पार्लर में जाकर ही लगाएं अगर आपको मेरी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आए। सो फ्रेंड, को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर भी कीजिए। सो फ्रेंड, मैं इसको अभी अपने फेस पर 15 मिनट रख लूँगी। उसके बाद जब हम स्किन पर अपने ब्लीच लगा लेते हैं, उसके बाद हमें कॉटन रोज़ वाटर में डिबोकर अपने आइस पर रखना है। आइस को बिल्कुल भी खुली नहीं रखना है, क्योंकि जो उसका जो स्टीम होता है, जो ब्लीच का स्टीम होता है, वो हमारे आँखों में जाने की वजह से हमारे आँख से पानी निकल सकता है। बट मैंने यहाँ पर नहीं रखा है क्योंकि मुझे आपको दिखाना था, आपको समझाना था, आपको एक्सप्लेन करना था ब्लीच के बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं रखा हुआ है। बट फिर भी मेरे आँखों में जलन हो रही है क्योंकि मेरी आइस खुली है और मैं आपसे बात कर रही हूँ, और बिल्कुल भी इस तरीके से बात नहीं करना है जब ब्लीच अपने फेस पर अप्लाई किया हुआ हो, क्योंकि मुझे आपको बताना था, इसलिए मैं आपसे बात भी कर रही हूँ। और मेरी आईज यहाँ पे खुली भी है, बट मेरी आईज में थोड़ी सी जलन टाइप हो रही है क्योंकि मैंने आँखों को अपने खुली रखा हुआ है। सो फ्रेंड, मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट पूरे 15 मिनट्स के बाद। सो फ्रेंड, आप देख सकते हो कि यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और अब अपने फेस को मैं क्लीन कर लूँगी। तो मैं स्पंज को वाटर में डिबो कर ही अपने फेस को क्लीन करूँगी, जैसे कि मैं करती हूँ अपने पार्लर में। तो
फटाफट से मैं अपने फेस को क्लीन करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है, अब मैं इसको ठीक तरीके से अच्छे से पोंछ लूंगी। सो फ्रेंड, आप देख सकते हो कि मेरे फेस पर कितना अच्छा यहाँ पर रिजल्ट आया है। यहाँ पर मुझे पिंपल्स हो गए हैं जिसके मार्क अभी तक यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उस पे मैं क्रीम अप्लाई कर रही हूँ बट वो अभी तक थोड़े लाइट हो गए हैं। सो फ्रेंड, आप देख सकते हो कि मेरे फेस पर कितना मुझे बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लग रहा है। सो फ्रेंड, अब हम कर लेते हैं ब्लीच करने के बाद ध्यान देने वाली बात है। तो ब्लीच करने के बाद हमें 4 घंटे बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है, धूप में बिल्कुल भी नहीं जाना है। हमें धूप को बिल्कुल अवॉइड करना है, गर्म चीज़ों को अवॉइड करना है। और अगर हम बाहर जा रहे हैं तो अपने फेस को ढक कर जाए। 4 घंटे तक बिल्कुल भी हमें प्रिकॉशन लेना है गर्म चीज़ का, धूप का, ये सारी चीज़ों का, जो स्टीम होती है किचन में वो सारी चीज़ों का, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। सो फ्रेंड, आप ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ब्लीच को अपने फेस पर करा सकते हैं, और जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो बिल्कुल भी ना कराएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक।